इनमें से कितने बच्चे इतने होनहार हैं, इतने होशियार हैं दैट दे आर एक्चुअली टॉपर्स इन देयर स्कूल्स, लेकिन बस इनके पास जरिया नहीं है पढ़ाई करने का। रेडियो सिटी पे टेक शाला। लॉकडाउन का मतलब बहुत सारे लोगों के लिए न्यू स्टार्टअप हुआ है डिजिटल वर्ल्ड में। मतलब टीचर्स भी आजकल लैपटॉप में सिखा रही हैं और बच्चे भी अपने लैपटॉप के थ्रू सीख रहे हैं। लेकिन व्हाट इफ यू डोंट हैव अ लैपटॉप? फिराज, इसकी जरूरत आपको क्यों थी? क्योंकि एक्चुअली मेरा क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस चालू होने वाला है और मुझे हो चुका है और मुझे अब तक किसे हैंडल कर रहे थे? आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? अभी मैं 12th पास किया हूँ, मैं फर्स्ट और BFM कर रहा हूँ। ओके। और मतलब अभी तक मेरे पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं था जिससे मैं अपना क्लास अटेंड कर सकूँ, तो अभी मेरे को इसे लैपटॉप मिला है तो मैं होपफुली कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। स्माइल ऑन हिज फेस। अभी उसकी ऑनलाइन एग्जाम चल रही है और वो दे नहीं पा रहा है। वो नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसके पास कोई जरिया ही नहीं, तो मैंने भी बोला भाई क्या कर सकते हैं। सिटी की टेक्शाला हमारे इस इनिशिएटिव में सिटी के कोने कोने से लिटरली कॉल्स आने लगे, प्लीज़ हमारे हाउस हेल्प के लिए लैपटॉप मिल सकता है। बिलीव इट और नॉट, आई वाज सो शॉक्ड कि इतनी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स और इतना पागलपन कि लिटरली रात के बीच में भी मुझे मैसेजेस इंस्टाग्राम पे आ रहे थे। एक लेडी जो अपने बेटे को जन्म देते ही 6 दिन के अंदर चल बसी, उनके पप्पा यानी इस लड़के के नाना ने उसको सिंगल हैंडेडली बड़ा किया और उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि अर्जू प्लीज़, मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, मैं रिटायर्ड हूँ, आई रियली नीड दिस लैपटॉप, जीसस विल ब्लेस यू। आज आपको क्यों इतना रोना आ रहा है जॉन? खाना भी समझो मिल गया, खा लिया नहीं, इसे मजबूरी, हमारा काम भी नहीं। आपको लैपटॉप की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमारे पास मोबाइल भी नहीं है, मतलब मोबाइल है पर वो बट सादा है और ऑनलाइन स्टडी भी चालू हो गई है, अभी तक मेरा मतलब लेक्चर भी अटेंड नहीं हुआ है। एक भी नहीं। मैं अपने आप को BFF मानती हूँ हमारे सिटी की, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, लेकिन ये मेरे बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर ने मेरी और पूरे शहर की मदद की। द फैक्ट कि आप लंदन में बैठे हो और ये सब यहाँ मुंबई में आपके इस शहर में जहाँ पले बड़े हो उसके आसपास आपने कितने लोगों की जिंदगियाँ चेंज की हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये तो बस शुरुआत है बहुत हमारी तरफ से, बट मोर इम्पोर्टेंटली पूरी दुनिया बदल गई अभी कि सारे लोग तो वर्चुअली काम कर रहे हैं, वर्चुअली पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, लैपटॉप, ये मतलब कितनी ज़रूरत पड़ेगी और कितने लोगों के पास ये ना होता है ना मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं जो हेल्प कर सकते हैं। तो आई एम होपिंग टू योर शो कि और काफ़ी सारी कंपनियाँ और इंडिविजुअल्स आगे आए और जो हेल्प कर सकते हैं हाथ बढ़ा सकते हो पढ़ाए। And It's happened thanks to you. There was a gentleman from London जिनके पापा tablets बनाते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम भी आपके इस endeavor को 6 से 7 tablets देना चाहेंगे। So I was like, oh my god, you know, like how support garners more support, ये तो बहुत amazing बात थी। Digital India हम बोलते तो रहेंगे लेकिन afford कौन कर सकता है, और वो भी लॉकडाउन के टाइम पे जहाँ पे कितने लोगों के जॉब्स चले गए हैं। आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि रेडियो के माध्यम से हम कुछ तो कर पा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। इसे कहते हैं पावर ऑफ रेडियो। रेडियो सिटी।